हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पीएचटी चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसी के मैंने कुछ मतलब भाई बहनों से, जैसे कि जिनका पीएचटी चल रहा है, हालांकि मेरी ज़्यादा से तो बात नहीं हो पाई, तीन चार से मैंने बात हुई है, तो कुछ डाउट्स मैंने दो चार पूछे उनसे जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, उसी को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सेंटर पर चल क्या रहा है और आप में से कुछ के डाउट ऐसे हैं उनको मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि वेट किस तरीके से, वेट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं या किस डॉक्यूमेंट्स पर बाहर निकाल रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट्स पर पास कर रहे हैं, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, या अगर कुछ गलत हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपके लिए सही करने के लिए समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पीएचटी चल रहे हैं उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर बेस्ट बुक की बात करें तो वो आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपके 2023 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको सिलेबस वाइज इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक समझाए गए हैं। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये ऑनलाइन लेनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनको भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सभी बुक इनकी आपके नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर भी मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पीएचटी के। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ऐसी गलती नहीं करनी है जो हमें बताने जा रहा हूँ यहाँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने लगभग दो तीन सेंटर पर बात की। उन्होंने बताया कि देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, तो कहीं कहीं तो ऐसा कर रहे हैं जो नया मांग रहे हैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहीं कहीं जो आपको डेट दी गई थी नोटिफिकेशन में उस हिसाब से ले रहे हैं। तो आप ये खुद थोड़ा समझदार होइए। कई कई सेंटर पर ऐसे ये सभी ऑफिसर्स के बात ऊपर बात होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़िया स्वभाव के होते हैं, वो जैसा है उस तरीके से उसको ले लेते हैं, कुछ कमी है तो बता देते हैं, ठीक है। कुछ कहीं कहीं ऐसे होते हैं मतलब थोड़े से मतलब टाइट मामला कर देते हैं, वो उन्हें जिस तरीके से उनके मन में आएगा वो इस तरीके से ऐसा ही चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है वहाँ, जो भी चेक कर रहे हैं, जो भी वहाँ कॉन्स्टेबल हों या हेड कॉन्स्टेबल हों, तो उनसे बोले कि सर मुझे प्रॉब्लम है। अगर वो आपको कुछ डाउट बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है लेकिन आपको लग रहा है कि ये सही है, तो वहाँ उनसे बोलना कि मेरी सीनियर अधिकारी से बात कराओ, किसी से भी, वो वहाँ मतलब सामने ही आपको पता बैठे होंगे, वहाँ एक टेबल सी लगा करके या एक टेंट से लगा करके वहाँ आप जाकर के उनसे कह सकते हैं। और थोड़ा सा खुद भी एकदम मतलब थोड़ा सा खुद भी सचेत तो ऐसा होना पड़ेगा। आप उनसे बताइए कि आप ये बताइए इसमें जो मैं कास्ट सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, इस डेट के हिसाब से लेके आया हूँ, तो आप मेरा क्यों नहीं इसको मान रहे हैं, क्यों सही नहीं कर रहे हैं इसको, क्यों मुझे फेल करने की तरफ बढ़ा रहे हैं, जब आपने इसमें नया लिख देते अगर आपको नया ही चाहिए तो। कहीं कहीं ऐसा है कि जो डेट से ले जा रहा है उसको भी मान रहे हैं, जो डेट के बाद का ले जा रहा है उसको भी मान रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको भी मतलब इसमें आपको होशियार होना पड़ेगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि वहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है कुछ भी, तो वहाँ उनसे बात करिए, डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से ले। और दूसरी बात मैं आपको एक सलाह दे दूँ, मैंने कई सेंटर मतलब उनसे ये बात भी की है कि आपके पास अगर नया कास्ट सर्टिफिकेट है या पुराना है डेट के हिसाब से, जो भी आपके पास हो एक दो तीन आप साथ में सभी ले जाइए। मैं आपसे पहले वीडियो में बताई थी कई बार कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक कागज़ रख, एक दो कागज़ ज़्यादा हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है उनसे, उन सबको साथ में ले जाइए, ठीक है। दूसरी बात आ रही है आईडी की, तो एक जो एक दो जगह ऐसा भी हुआ है कि जहाँ जब एंट्री करते हैं ना गेट पे, उन्होंने वहाँ सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा है और किसी को अलाउ नहीं किया। लेकिन हालांकि उसमें ज़्यादातर लड़के कोई भी ऐसे निकाला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि आधार कार्ड सभी रख के ले जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी आईडी कोई भी ले जा रहे हैं वो ले जाएँ, लेकिन आप अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएँ। लेकिन मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, आपके पास जितने भी आई कार्ड, जैसे कि आपका वोटर आईडी हो गई, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो यार दो तीन इतने वजन थोड़ी ना होता है इन डॉक्यूमेंट्स में, इनको रख के ले जाइए। तो आप आधार कार्ड का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, इस तरीके से। अब वेट की मैं आपको बता दूं, देखिए वेट के ऊपर हालांकि हो सकता है आप में से किसी ने आपने जानने वाले से पूछ ही लिया होगा, लेकिन वेट की बिल्कुल भी समस्या कोई नहीं आ रही है। बस ये है कि मैंने वेट की बात की थी कि लगभग 50 किलो तो कम से कम होना चाहिए, 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, बाकी वेट की कोई समस्या नहीं है। आपकी वेट की जो भी दिक्कत हुई वो मेडिकल में होगी, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर थोड़े इसमें बदलाव भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, ये जो सारी बात होती है यार ये सेंटर के ऊपर होती है, सेंटर के मतलब किसी सिटी के नाम से नहीं, जो वहाँ अधिकारी होते हैं ना उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो किस तरीके से मतलब उनको
किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके कोई समस्या आए तो उनको बता रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक मूल निवास, देखो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था ना कि मूल निवास नहीं मांगा है, लेकिन कई सेंटर पर मांग रहे हैं मूल निवास। आपसे वही समस्या आपके सामने खड़ी हो गई जो मैं पहले कह रहा था। मेरे पास कई कमेंट भी आया, मैंने उनसे पूछा तो ये सच निकला कि हाँ मूल निवास मांग रहे हैं। तो यार एक कागज़ आप अपने साथ ले जाइए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, उन्होंने वहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, आप ये वहाँ कह सकते हो। अगर गलती से आपका छूट जाए तो क्या आप कम से कम इसमें लिख सकते हो? वहां जो भी सीनियर ऑफिसर हैं उनको दिखाई कि सर देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है, कहीं मेंशन नहीं है इसमें, हम बताइए कहां से किस तरीके से लेके आए। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मूल निवास यार अपने साथ जरूर ले जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जो उसमें लिख रहे हैं सर ऐसा कसम मत खा लीजिए कि बस यही ले जाने हमको, और चाहे भले फेलो कर जाए इससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, ऐसा मत करिए, मूल निवास भी ले जाइए। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैंने एक सेंटर उससे पूछा, लड़के थे, अगर एक सेंटर में सेंटर का नाम भूल गया कौन से सेंटर की बात थी, उन्होंने बोला कि सेंटर सेंटर के ऊपर सिस्टम चल रहा है कि कहीं सेंटर पे कहीं अधिकारी अच्छे आ गए तो वहाँ थोड़ा मतलब लड़कों से इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जा रहा है, कहीं थोड़े से उस टाइप के हैं मतलब ज़्यादा टाइट ले रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही लड़कों को। दूसरी बात यह है कि कई एक तो सेंटर पर ऐसा भी मैंने पूछा है कि अगर आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या आ रही है तो उनको थोड़ा सा टाइम भी दिया गया है कि आप तब तक इसको सही करा के हमारे यहाँ अगर दे देते हैं तो आपकी जो समस्या है वो मतलब सही हो जाएगी, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने पूछे तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं वो बस वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी आईडी मैंने आपको बताई दी, ठीक है। और जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में या आप बता रहे हैं उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, अभी भी आपका कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करिए, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर मैं ड्यूटी पर टाइम मिलता, जैसे ही नहीं तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसी तरीके की अपडेट और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।